हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान ओशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डेटा का बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं अपनी नई शीट जो हमने क्रिएट करी है अभी बैकग्राउंड चेंज कलर करने के लिए। और इस डेटा का हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे यूजिंग VBA मैक्रो। सो सबसे पहले हम चलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर में और विजुअल बेसिक के बटन पर क्लिक करेंगे और हम इस VBA एडिटर में एक नया मॉडल हमने क्रिएट किया है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम एक नया मैक्रो क्रिएट करेंगे बीजी कलर। सो गाइस, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले उस रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा जिस रेंज के लिए हमें कलर चेंज करना है। जैसे कि हमारी रेंज है A1 से C6, अभी हमें इस रेंज का कलर चेंज करना है। तो इस रेंज का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड है इंटीरियर डॉट कलर। यस, इंटीरियर डॉट कलर के साथ हम कोई भी कलर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 8 कलर्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जैसे कि VB रेड, VB वाइट, VB ब्लैक, VB येलो, VB ब्लू, VB सियान, VB मैजेंटा, रेड वाइट ब्लैक ब्लू रह गया, ब्लू आप टाइप कर दीजिए, ब्लू हो गया, ब्लैक ग्रीन। सो दीज आर द डिफरेंट 8 कलर्स विच वी कैन चेंज थ्रू इंटीरियर डॉट कलर। इसके अलावा अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड का, तो आपको इंटीरियर के साथ कलर चूज नहीं करना, इंटीरियर के साथ कलर इंडेक्स चूज करना है, इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1 to 56। वी कैन चूज फ्रॉम 1 to 56। सो अगर आप कलर इंडेक्स 1 to 56 कोई भी वैल्यू देंगे, हमारे डेटा का कलर उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने F8 की प्रेस किया, हमारे डेटा का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है, यहाँ पर वाइट हो गया है, ब्लैक हो गया है, येलो, ब्लू, सियान, मैजेंटा, ग्रीन, और कलर इंडेक्स 1 इज ब्लैक। सो सब ब्लैक हो गया। तो हम इसे एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मैंने इसे 10 कर दिया है। ये रन हो गया है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट ज्ञानओशन.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।